अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम बनाएंगे हॉट सॉस सूप, जो बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और ये सर्दियों का जो है स्पेशल है, विंटर स्पेशल है। जब तक ये ना पिए तब तक तो विंटर स्टार्ट नहीं होता। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयली है, मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। ये बहुत मज़े का बनता है। और ये मैंने थोड़ा सा चिकन के छोटे छोटे पीसीस करके इसको मैं अच्छे तरीके से उसमें फ्राई करूँगी, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको जो है मैं भूनूँगी अच्छे तरीके से कि चिकन की स्मेल ना। ये बहुत यूनिक जो है रेसिपी है और बहुत टेस्टी। ये अब मैं जो है क्यूब डाल दूँगी, चिकन क्यूब्स। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है और डिफरेंट टेस्ट आता है। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और ये बहुत यूनिक रेसिपी है और अभी तक किसी ने ये यूट्यूब पे आपको बताई नहीं होगी। और ये बहुत मेहनत से बनता है सूप। मैं शिमला मिर्च चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटी हैं। जिनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते आप उनको सूप में डाल के दे सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरीके से हला के मैंने इसको जो है उसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी। मटर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो गाजर ऐड करूँगी। गाजर आप ये वाली भी ले सकते हैं और दूसरी भी ले सकते हैं जो ऑरेंज कलर की है। सब्जी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने करनी है। मटर आपके बच्चे नहीं खाते वो ना डालें, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। और मैंने ये बीच में सिट्टे के जो हैं, जो छली होती है जिसे सिट्टा कहते हैं, उसके ये मैंने जो दाने हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल जो दूध या छली होती है तो बहुत नरम सॉफ्ट वाली लेनी है आपने। दूसरी हार्ड वाली नहीं, पॉपकॉर्न वाली नहीं लेनी, ये वाली आपने लेनी है। ये जो गीली गीली सी होती है ना, ये वो लेनी है। अब मैं इसके अंदर से पानी ऐड कर दूँगी जितना आपको सूप चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जियों ने पकना भी है, चिकन ने भी पकना है इसको में, और सिट्टे ने भी जो है वो पकना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर दूँगी, नमक ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आप कम पीते हैं ज़्यादा पीते हैं नमक खाते हैं। मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून, और उसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, आप लोगों की चाहत होती है। इससे जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको कवर करके रख दिया, हम इसको पकने देंगे। ये देखें जी, हमारा सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं। जो बंद गोभी है ना, वो मैं थोड़ा सा एंड में डालूँगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सब्जी है, बहुत ज़्यादा ये जल्दी से जो है ना वो पक जाती है। इसको अब मैंने ना जब वो हमारा बॉयल आना शुरू हो गया था सब्ज़ी में, उसके बाद ये मैंने किया। वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप देखा करें, फिर ज़्यादा अच्छा आपकी रेसिपी बनती है, फिर ही समझ आती है। मैंने सोया सॉस ऐड किया, चिली सॉस भी डाल दिया है मैंने, विनीगर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप पकने के बाद भी अपना जब सूप तैयार हो जाता है उसके बाद भी आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने हिला दिया, अभी हमारा पकना शुरू हो गया। इसको मैं कवर कर दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। ये हमारा देख के पक गया। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अंडा आपने पहले ऐड नहीं करना, क्योंकि अंडा जो है बाद में ऐड करेंगे। अंडा जो है हमारा, अगर हम कॉर्न सूप कॉर्नफ्लोर जो है बाद में ऐड करेंगे तो वो हमारा सही नहीं बनेगा। इससे पहले हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, हमने उसका बना कर पानी के अंदर पेस्ट, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा थिक होगा। उसके बाद ये देखिए जी, अब मैं अंडा डाल रही हूँ। मैंने 4 एग लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। इसका टेक्सचर देखना आप, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी नेमतें रखी हैं खाने में, हम उसके जितने शुक्रगुजार हैं हम करें। हमारे लिए अच्छी से अच्छी नेमत है आज। इतने माशाल्लाह सब्जियों के इतने अच्छे कलर हैं, फ्रूट्स के इतने अच्छे कलर्स हैं, हम खाने में भी बहुत मज़े के हैं, बहुत नेमतें। हमें तो अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये अपने बच्चों को दें, विंटर स्टार्ट हो चुका है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, इससे बच्चे सर्दी से बचे रहेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। और उसकी लुक देखें आप, माशाल्लाह से उसकी लुक चेक करें आप। ये देखें माशाल्लाह से सब कलर आ रहे हैं बीच में, डिफरेंट कलर। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी थी, जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। अब मैं इसके अंदर जो है वो हरा प्याज ऐड कर दूँगी, हरा लहसुन जिसे कहते हैं, वो ऐड कर दूँगी कटिंग करके। देखें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।